साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉक पे। आज हम साइंस टॉक में यूपीपीसीएस में 2015 में इन्वायरमेंट सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको डिस्कस करेंगे। आइए टू द पॉइंट चलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सही सुमेलित, याद रखिएगा सही सुमेलित पे नहीं वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए, पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र, नहीं भाई, जो सबसे सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र होता है वो क्या होता है हमारा, वो समुद्र होता है। कौन सा होता है? समुद्र। ऑप्शन ये तो गलत है, ठीक है। अजैविक अव्यय जीवाणु, नहीं भाई, जैविक जीवाणु जो होता है वो जैविक अव्यय है, विषाणु नहीं। विषाणु होता तो अजैविक कह देते हम, ये भी हमारा गलत है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, हाँ बिल्कुल भाई, हरे पौधे जो होते हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सही है। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग, नहीं, वर्षा कहाँ ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो आपकी सीएफसी गैसेज हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए फिर आपका कैसे अलग अलग गैसेज अवेलेबल है, ठीक है, सीएफसी हो जाएगा, फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें, वर्षा तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को मिला बताइए आपको, ठीक है। आइए हम मिलाते हैं, हम एक आध तो पक्का आता होगा, ठीक है। चलिए, जो नहीं आता उस जो पहले सबसे फिक्स उसी को देखते हैं पहले। अब आपको पता होगा सोलर एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कभी समाप्त नहीं होगी। सोलर एनर्जी क्या होगी? कभी भी समाप्त नहीं होगी, सबसे फिक्स एनर्जी, ठीक है। तो बी का फोर, बी का फोर, बी का फोर, बी का फोर, मतलब यही दोनों सही है, बाकी की तरफ हम देखेंगे भी नहीं अब, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो सोलर एनर्जी सबसे फिक्स एनर्जी है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा और देख लेते हैं। अब आपको पता है जो बायोगैस होता है, बायोगैस में मीथेन और CO2 मिलता है, मतलब सी का दो, सी का दो, मतलब ऑप्शन हमारा ये सही है, ये इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए सही होगा। आई फिर भी मोर लगा लेते हैं। आपको पता है जो खनिज है, खनिज क्या हो सकता है, वो खनिज समाप्त होगा, कभी ना कभी समाप्त हो ही जाएगा, कितना हम यूज करेंगे अब। वन आरोपण, हाँ बिल्कुल भाई, वन अपरोपण, वन अपरोपण का मतलब डिफॉरेस्टेशन, इसमें उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, वन उन्मूलन में कह सकते हैं, तो जब वन उन्मूलन ज्यादा होगा तो वर्षा क्या होगी, कम होगी, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है, मतलब शक्ति भी दे खाद भी दे। तो आपको पता होगा शक्ति और खाद, नाभिकीय नजीम खाद तो मिलेगा नहीं, तापीय नजीम नहीं मिलेगा, बायोगैस मिल जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रो संयंत्र, नहीं भाई, बायोगैस संयंत्र में क्या होता है? बायोगैस संयंत्र में भाई देखिए हमें सीएच मेथेन के मिल जाता है और उस मेथेन से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, शक्ति मिल गई। खाद जिसमें जो भी कहते हैं कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं खेतों में डाले खाद ही तो बनाते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। चले नेक्स्ट, कह रहा है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए क्वेश्चन फिर से 2017-15 जो एग्जामिनेशन में भी आया था, तो आपको पता है जैव विविधता के लुप्त होने का सबसे मुख्य कारण पूछा रहा है, मेन फंक्शन क्या है, मेन फैक्टर क्या है, तो आपको पता होगा कि जो आपका आवासीय विनाश, ठीक है, जो आवासीय विनाश की बात की जा रही है, भाई किसी भी जीव का अगर आवासीय विनाश, आवासीय खत्म हो जाएगा तो जैव विविधता कहाँ होगी? कम से कम होगी ना, खत्म हो जाएगी बिल्कुल, तो सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी सही है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बिल्कुल पेट क्वेश्चन है, बार बार आपको पता है जो बायोडीजल की फसल कौन सी है, जेट्रोफा, जेट्रोफा को हम बायोडीजल भी बोलते हैं, बायोडीजल भी की फसल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि चिपको आंदोलन संबंधित है। आपको पता है जो चिपको आंदोलन था बहुत फेमस था, ठीक है, जो कि सुंदरलाल बगुड़ा साहब ने उसको आगे चलाया था, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? आपका पादप संरक्षण से, मतलब पेड़ों को बचाने के लिए जो लोग होते, उत्तराखंड में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि जो भी लोग जब कोई कर्मचारी या राज्य सरकार के कर्मचारी जब पहुंचते तो पेड़ों को काटने के लिए, तो लोग जाके पेड़ों से चिपक जाते थे, तो इसको चिपको मूवमेंट बोला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, देखते हैं हर बार ये क्वेश्चन आ ही रहा है। 1972 में क्या किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं, घबराइए मत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, अभी आपको पता है जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस भी बार बार रिपीट हो रहा है, जो 16 सितंबर है इसको हम अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये कब से स्टार्ट करते हैं? 1994 में, 1994 में आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उन्होंने बोला था कि भैया जो आपका 16 सितंबर है इसको अब हम ओजोन दिवस के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में हम मनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतुलित क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, मतलब संतुलित में सबसे संतुष्ट जो फिक्स हो, तो कौन सा हमारा है? आपको पता है जो पश्चिमी घाट है वो हमारे जैव विविधता की दृष्टि से सबसे रिचेस्ट एरिया कह सकते हैं, तो आपका कौन सा है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट कह रहा है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पहलू भोजन, औषधि, जैव औद्योगिक उपयोग, नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अरे भैया जितनी अच्छी पारिस्थितिकी तंत्र को वहीं से अपने आप भोजन मिलेगा, वहीं से औषधि मिलेगी, वहीं से औद्योगिक उपयोग की चीजें मिलेंगी, तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है? देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है, जो लाइकेन होता है जो कि आपका एल्गी और फंगस दोनों से मिलकर बना होता है, ये प्रदूषक में भी बोला बोला जाना चाहिए था, वायु प्रदूषण, ये वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक होता है, किसका?
वायु प्रदूषण का जो सबसे अच्छा संकेत क्या है, लाइकेन है, क्योंकि जहां पर भी हल्का सा प्रदूषण होगा वहां लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइकेन होता है इट इज द इंडिकेटर फॉर द एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है, मीन्स कौन सा ऐसा मीन्स है जो हमारे इन्वायरमेंटल डिग्निटी को मेंटेन करेगा, स्वच्छता को बढ़ाएगा। तो पहला हमारे कह रहा है पेट्रोलियम उत्पाद अच्छा है। नहीं भाई, कैसे पेट्रोलियम उत्पाद जलाएंगे आप, कुछ ना कुछ तो निकलता ही है ना, धुआं निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, NO2 निकलेगा, हार्मफुल है। वन उत्पाद, हाँ, अगर वन उत्पादों को हम पढ़ाएंगे तो भाई प्रदूषण को कम करेगा, ठीक है। नाभिकीय विखंडन, नहीं, नाभिकीय विखंडन से रेडिएशन निकलता है और रेडिएशन जो होती है बहुत हार्मफुल भी हो सकती है सोलर सर। तो इन सब में जो सबसे मुख्य होता है स्वच्छ रखने की सर्वोत्तम है तुम्हारा सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी कुछ भी करिए हमारे कोई भी रेडिएशन नहीं निकल रहा, सब में से कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं, बट अगर सोलर रेडिएशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। एनर्जी के लिए ऊर्जा स्रोत, क्योंकि वन उत्पाद से कोई लकड़ी जलाएंगे आप, वन उत्पाद बोल रहा है ऊर्जा उत्पाद, लकड़ी जलाएंगे तो भाई कुछ ना कुछ पॉल्यूशन तो होगा ही ना, तो ये भी होगा। तो बट सोलर एनर्जी हमें भाई सूर्य देवता लगातार दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, हमें कुछ देना तो उनको है नहीं, तो ये हमारे क्या हो जाएगा सबसे अच्छा है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि हमें कितने से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब आपको पता है जो सदाबहार वन है वही हमारा फिक्स जगह है पश्चिमी घाट, जो हमारा रिचेस्ट एरिया, तुम्हारा क्या हो जाएगा पश्चिमी घाट जो है जहाँ पे भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अच्छा मिलाने वाला बड़ा मजा आता है, कह रहे हैं निम्न की सूची 102 से मिलाई, ठीक है। चलिए अभी का तो आपको पता होगा, मान नहीं पता है तो पहले तो बादीपुर पता है, जो बादीपुर है आपका कहाँ है, वो कर्नाटका में है। तो डी का फोर, अब डी का फोर मिलाई, डी का फोर, डी का फोर, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब डी का फोर देखते हैं, सरिस्ता है, हाँ सरिस्ता आपको पता कहाँ, सरिस्ता भी आपका कहाँ है राजस्थान में, ये भी फिक्स है आपका। सरिस्ता कहाँ है राजस्थान में, सी का तीन, सी का तीन, सी का तीन, मतलब ऑप्शन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा सही होगा, ठीक है। और जो दाची गांव है ये कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर, आप पता नहीं जम्मू कश्मीर एक लद्दाख में है, क्वेश्चन के टाइम पर तो जम्मू कश्मीर में था, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और पोम्पी कोड़ा, पोम्पी कोड़ा कहाँ हो जाएगा हमारा, ये आंध्रा में हो जाएगा जो बचा हुआ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, मतलब बाकी सब गलत है। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा दांत, नहीं भाई तो दांत को खराब ही कर देगा। फ्लोराइड प्रदूषण, नहीं हो जो आपका गलत है ये, कि जो फ्लोराइड प्रदूषण था वो नहीं था, यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, जो आपके भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, ये तो गलत है, ठीक है। फिर मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा, नहीं, जो एसिड रेन होती है उसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी हमारा गलत है। ये टोकोन नहीं ओजोन हो जाएगा, ये ओजोन लिखता मतलब ओजोन होल, ओजोन होल से क्या होता है चर्म कैंसर, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि जो ओजोन होल हो जाएगा तो जो रेडिएशन होंगे यूवी रेडिएशन होंगे वो डायरेक्ट हमारी बॉडी पड़ेंगी तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा डी मतलब सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करते हैं, अच्छा पर्यावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन इंक्रीज कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में ये क्या कुछ कर पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, हाँ ये बिल्कुल ये मेन गैस है, आपको पता है ग्रीन, पता है ना कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें होती है इसमें जो CO2 प्रेजेंट है, जैसे मान लिया ग्रीन हाउस का मतलब ये होता है इस वाली सनलाइट्स आ रही हैं, तो कुछ हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी गैसेज हैं जो कि मान लीजिए इसने जो सनलाइट्स लेके आई एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये 100 किलो कैलोरी एनर्जी लेके आई, अब सुबह बहुत धूप हुई और शाम को आपको पता होगा कि जब धूप खत्म हो जाती है तो हमारा जो छत होता है बहुत गर्म होता है, हमारा जो एरिया गर्म होता है वो धीमे धीमे रेडिएशन जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की उसको रेडिएट करता है, वापस फैलता है, तभी तो रात ठंडी हो जाती है। बट हमारी इन्वायरमेंट में जो CO2 है, जो भी आपकी ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं, ये कुछ ना कुछ जो एनर्जी सन से आ रही है उसको टैप कर लेती है, उसको बाहर नहीं जाने देती है, तो यही एक टाइम होता है कि धीमे धीमे अगर 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद धीमे धीमे हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है, तो और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो अब ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सबसे अधिक कॉज करता है, जो हमारे वाटर वेपर्स है वो भी कॉज करते हैं, और जो भी आपके ग्रीन हाउसेस गैस है इसमें आपका CO2 सबसे मेन है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, सीवी रमन, नहीं भाई सीवी रमन भाई नोबेल वाले कहाँ घुसा देंगे, जेसी बोस साहब, ये भी नहीं है इसमें, ये आपके पौधे जीवित उसके लिए बता देना, सीवी देसाई, अच्छा एच खुराना, हरगोविंद खुराना, ये भी नहीं, इन्होंने तो आपको पता है डीएनए के लिए वर्क किया, तो बच्चा हमारे क्या सीवी देसाई, सीवी देसाई भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन को सॉरी आयोग ने हटा दिया था, क्योंकि सीवी देसाई नहीं है, 40 के दशक में एक साइंटिस्ट थे, 40 के दशक में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, ठीक है। और वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम सीबी देसाई नहीं था, उनका नाम क्या था, एस सी एस वी देसाई था, क्या था, एस वी देसाई,
एस वी देसाई साहब था, जिनको बहुत बड़ा बाद में फिर पुरस्कार भी दिया गया, जिन्होंने गोबर गैस प्रणाली को आविष्कार किया था। तो ये ऑप्शन को सारे गलत है क्योंकि इसको आयोग ने हटा भी लिया था। ठीक, चलिए, इस तरह हमारा 2015 का ही पेपर खत्म हुआ। आपको हमारा काम अच्छा लगता है प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स को प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।